होगा भवंडा परी, डूबा डूबा साथ जाकर सब परियों को बता देगा। हमारा खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, अब क्या करोगे आप? तुम चिंता मत कर, ये परियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एक पल भी सामना नहीं कर पाएगी मेरी बवंडर शक्तियों का। बवंडर परी, हमें आपकी नहीं बल्कि हमारी चिंता हो रही। भले ही वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनके साथ विश्वासघात किए, तो वो हमें हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में डाल देगी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं। नहीं भवंडा परी, ये भी तो सोचना होगा, अगर इन सारी परियों को आपके बारे में पता चल गया तो ये सब सचेत हो जाएंगी और उसी पल बालवीर को भी बुला लेंगी और आपसे भयंकर परी का दंड भी हासिल कर लेंगी। फिर आप क्या करेंगी सोचिए। साइलेंस, बच्चों रिसोर्ट आ गया है। मतलब बालवीर नहीं है चाहता तू? हाँ, अगर देख लिया उसने मुझे तो भेज देगा मुझे भी परी भयंकर के पास। नहीं नहीं, रहना होगा मुझे दूर इन बच्चों से। हैं? लाइन में, लाइन में। गेंडा और दो लड़के भी यही? हाँ, पीटा था इन्होंने मुझे बहुत होली के समय। बस एक बार मिल जाए मुझे परी भयंकर का जादू दंड, सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसे असली फैस। बच्चों, अब हम समर ट्रिप की लोकेशन पे पहुंच गए हैं। यहीं से एक रोमांचक और मजेदार समर ट्रिप शुरू होगा। अच्छा लिसन, गर्ल्स के लिए लेफ्ट साइड में रूम्स है और बॉयज के लिए राइट में। अभी आप सब लोग जाकर अपने बैग्स रखिए और फ्रेश हो जाइए, फिर हम सब लोग मिलकर लंच करेंगे। ओके ओके, चलो चलो चलो। आ गया हूँ मैं कहा, लेकिन वो जहाँ भी निकलना होगा मुझे यहाँ से। पता नहीं है कहाँ परी भयंकर का जादुई दंड है। क्या कर रहे हो बॉस, आपने मानो पे से डांसिंग मैजिक क्यों हटाया? अरे यार, उस मैजिक से उस वक्त नुकसान नहीं हो रहा था, उल्टा तो और एंजॉय कर रहा था। बॉस, अपना शैतानिया करने से रिटायरमेंट ले लो और वो जादुई छड़ी हमें दे दो। हाँ बॉस, वैसे भी किसी समझदार इंसान ने कहा कि बंदर के हाथ में हीरा देने से बंदर की इज्जत बढ़ नहीं जाती है, बल्कि हीरे की इज्जत घट जाती है। हाँ, तुम मुझे बंदर कह रहे हो? हाँ, कैसे कह सकते हैं हम आपको बंदर बॉस? नहीं नहीं बॉस,
बल्कि हम जादुई छड़ी को हीरा कह रहे हैं। सब ठीक चल रहा था लेकिन उस बल्लू के बच्चे ने पूरा गेम बिगाड़ दिया। वो देखना मैं उसका बदला कैसे लेता हूँ। जिस मानव को उसने बचाया ना उस मानव को आज मैंने पनिशमेंट नहीं दी ना तो मेरा नाम भी मोंटू लगानी नहीं। आप भी ना बस बड़े मजाक के हो। मेरा मतलब है बस आप तो ऐसे बोल रहे हो कि आपका नाम कोई ताजमहल है कि जिसको बदलने से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ मोंटू की जगह सुरेश रमेश या जिग्नेश होता तो क्या फर्क पड़ जाता। नहीं बस अब गर्ल्स रूम की तरफ जा रहे हो इसलिए हम हंस रहे थे। तो ये वही यंत्र है जो आप हमें दिखाना चाहती थी। हाँ बालपरी। क्या खासियत है इस यंत्र की नटखट परी? अभी दिखाती हूँ बालपरी। वाह ये सूखा हुआ पौधा तो फिर से उसी रूप में आ गया जैसे वो पहले था। हाँ जैसे सूखे हुए पौधे को नई जिंदगी मिल गई हो। हम समझ गए नटखट परी इस यंत्र के द्वारा आप रानी परी को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ बाल परी। पर कैसा हो पाएगा नटखट परी? क्यों नहीं बाल परी हम सब परियां अपनी अपनी शक्ति इस यंत्र में डालकर रानी परी को उनके असली स्वरूप में लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना? हाँ और हो सकता है कि हमारी ये कोशिश कामयाब हो। अगर ऐसा हो गया तो इससे बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए क्या हो सकती है। सोचिए ना परीलोक में एक बार फिर से जश्न और त्योहार का माहौल बन जाएगा जो जो रानी परी के ना होने की वजह से जैसे थमसा गया है। चिंता मत करो अब डूबा डूबा जिंदगी भर के लिए अंतरिक्ष में घूमता रहेगा और इसके साथ घूमता रहेगा हमारा राज। बाल बाल बच गए लेकिन मेरे दुश्मन मुझसे नहीं बच पाएंगे। बवंडर परी की जीत की राह में जो कोई आएगा उसका यही हाल होगा फिर चाहे वो बालवीर ही क्यों ना हो। मेरा बहुत जरूरी क्योंकि है ढूंढना मुझे परी भयंकर का जादुई दंड। हाँ समझ में नहीं रहा है जाऊं कहां से ए जाऊं कहां से मैं बताता हूं। उसके पास चोरी का सामान भी है। हैं? चोर? समझ रहे हैं ये लोग मुझे चोर इस सामान की वजह से? चलो भागने में पकड़ते हैं उसे। हाँ, चलो। चलो। पीटने से पहले भाग जाता हूँ मैं यहाँ से। ए, पकड़ो चोर! चढ़ रहे आयो। ए?
भागने की कोशिश कर रहा है? हाँ? भागेगा? नहीं, माशे, सुनिए मेरी बात। नहीं भाई चोर। अरे, अब मेरी बात सुनिए। चोरी करके भाग रहा है? चोर पकड़ा गया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वो कहाँ गया? अरे वो कहाँ गया? तो बच्चों आप सबको भूख लगी है? हाँ सर। आप सब खाना खाना चाहते हो? हाँ सर। तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आज खाने में क्या क्या है? हाँ सर। तो बच्चों आज खाने में है पनीर मखनी, भिंडी मसाला, शाही गाजर, मटर मशरूम और दम आलू कश्मीरी। कश्मीरी आलू। तो बच्चों खाने की ओर बढ़ो। हाँ सर। अरे हटो। सर इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। हाँ सर इसमें भी। हाँ सर इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि सारे बर्तन खाली हैं। तो फिर आपने हमें खाने के लिए क्यों भेजा? मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये सब आज खाने में है। मैंने ये नहीं कहा कि ये सब बना है। मतलब खाना नहीं बना है? नहीं, नहीं। बच्चों आज खाना आप सब लोगों की मदद से बनेगा। अभी हम यहाँ समर ट्रिप पर आए हैं ना, और कुछ खेल भी नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा ना। आप सब लोगों के लिए एक गेम प्लान किया है, हम सब लोग मिलकर एक खेल खेलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ट्रेजर हंट होता है ना, वैसे ही वेजिटेबल हंट। आज खाना बनाने में जो भी सब्जियां लगने वाली है, तुम सब बच्चों को इस क्लू में से वो सब्जियां ढूंढ कर लानी है। ओके? ओके ओके। और हाँ, जो भी सबसे पहले 3 सब्जियां ढूंढ कर लाएगा उसको ढेर सारी आइसक्रीम। वाह। अब तुम सब लोग 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाओ और हर पर्टिकुलर टीम को 3-3 सब्जियां ढूंढ कर लानी है। ओके? हाँ हाँ हाँ। ओके, अब सबको क्लियर है? यस सर। अब हर टीम से एक कैप्टन आएगा और अपने क्लूज लेके जाएगा। ऑल द बेस्ट। मानव, मेहर, बल्लू, तुम्हारा कैप्टन कौन है? मानव। मैं? नहीं नहीं मैं नहीं। मानव तू डर क्यों रहा है? हम है ना तेरे साथ। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, जल्दी करो। जा। बेस्ट ऑफ लक। मेहर और बल्लू क्या चाहे तेरे साथ जो भी हो, तो तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मानव मैं तेरे साथ ऐसा कारनामा करूंगा कि समर ट्रिप से ही नहीं हमारे स्कूल से भी बाहर जाएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हूँ मैं लाल लेकिन पहनता हूँ टोपी हरी। ब्लू। मिलूंगा वहाँ जहाँ है घास भरी भरी। पहनता हूँ मैं ग्रीन फूल सूट छुपाने अपने अंदर के हरे दाने।
मिलूंगा सामने उसके जहाँ जहाँ नहीं जहाँ चलते नहीं कोई चलते, भी कोई भी बहाने। अरे बॉस आप हंस क्या रहे हो, ये कोई जोक नहीं है, ये पहेली है। लेकिन बॉस पहेली पर हंस रहा है, ये जोक है। चलते नहीं कोई भी बहाने, ये जगह कहाँ है? कुछ करो, और कितनी परीक्षा लोगे भगवान? अरे हाँ भगवान, मतलब भगवान का मंदिर, क्योंकि उनके सामने कोई भी बहाने नहीं चलते। अरे हाँ, अरे चलो 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 चलो। बॉस कुछ करो ना बॉस, अब तो मानो मेहर बल्लू भी निकल गए, कुछ करो बॉस। अरे बॉस कुछ मदद करो ना। अरे मालक ही हमसे ज्यादा समझदार है, मतलब आप हमसे ज्यादा समझदार है, तो कुछ करो ना बॉस। अरे बेवकूफो, मेरे पास अपनी जादुई छड़ी है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं एक जादू करूंगा तो सब्जी अपने आप चल के मेरे पास आएंगे, समझे? बस हमें इतना करना है, हमें सब्जियां ढूंढने की एक्टिंग करनी है। मोंटू क्विक। हाँ सर हाँ। चल 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 अच्छा चल। तोबा तोबा, जिस वाहन पर सवार था वो वाहन गया कहाँ? लगता है वो यहां से आगे चला गया। कोई बात नहीं तोबा तोबा, भयंकर परी का दंड हासिल करने के लिए मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। हे धूल हे मिट्टी, करो मेरी मदद, दिखाओ मुझे बच्चों के साथ जो वाहन आया था यहां वो गया कहां? तौबा तौबा, अब तुम और भयंकर परी का जादुई दल मुझसे ज्यादा दूर नहीं।